मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सायरन बजाकर लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत छतरपुर के छतरसाल चौराहे पर आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गाड़ी के सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया गया। मगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंस कहीं पर भी नज़र नहीं आया, और जब अधिकारियों द्वारा दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस के लिए सर्कल बनाए जा रहे थे, उस समय तो लोगों की भीड़ ने हद ही पार कर दी। वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, महिला पुलिसकर्मी भी आपस में दूरी नहीं बनाई थी। इस भीड़ में पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जब इस पर छतरपुर रेंज के DIG विवेक राज सिंह से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर भीड़ अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, मगर हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए मापक है, उस मापक के अनुसार पालन किया जाना है। कई परिस्थितियां होती है, जैसे कि कई बार जैसे क्राउड होता है, तो उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है, बट परिस्थितियों के अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कराते हैं। दूसरा, इस आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 का समय निर्धारित किया था, बावजूद छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह आयोजन संपन्न होने के बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जिसकी वजह से यहां मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुनः गाड़ियों के सायरन बजवाए। इस पर मीडिया कर्मियों ने कलेक्टर से सवाल किया, तो कलेक्टर शीलन सिंह ने बात को घुमाते हुए होली के त्यौहार को घरों में रहकर मनाने की बात कही, साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जनता से अपील की। जो होली का त्यौहार है, उसमें भी मेरा अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने घरों में ही होली मनाएं और जरा सोचिए, जब प्रदेश के मुखिया के निर्देश के बाद भी जिले की कमान संभालने वाले कलेक्टर एवं सरकारी नुमाइंदे इस तरह उल्लंघन करने लगे, तो फिर जनता को क्या संदेश जाएगा।